फंसने दो, नहीं तो ये देश हिल जाएगा। अगर गरीब घर से बेघर होंगे तो फिर से एक आंदोलन तैयार होगा, ये सोच लेना। हर घर बस्ती में हर लोगों को कोने कोने से उजाड़ा जा रहा है, ये बहुत जुल्म हो रहा है, ये बहुत जुल्म हो रहा है। जो बच्चे आज पढ़ने जाना चाहिए, वो बच्चों का बस्ता, किताब, कपड़े सब चले गए, जमीन में खड्डे कर दिए। अब हम कहाँ से पढ़ाएंगे? सुबह औरों में सब काम पे निकल गई थी, 11:30 बजे इनकी बुलडोजर अचानक आई और बस्ती में घुस गई। आप बताइए, आधा घंटे का भी नहीं टाइम दे रहे, बोलते सामान निकालो, तो हम सामान निकालेंगे कि अपने बच्चों को निकालेंगे? और इतनी सारी बस्तियाँ हैं, 15,000 बस्तियाँ से ऊपर बस्ती है, उसमें से कितने लोगों को कैसे निकालेंगे हम लोग? फिर भी हम महिलाएं पुरुष अंदर घुस रहे हैं, तो पुलिस मालवनी की क्या करती है पता है? 5 महिलाओं को ले जाके उनके केस बनाए, बोले हमारे को गाली दिए, पत्थर मारे। हमको पत्थर मारने की क्या जरूरत है? हम पत्थर नहीं मारते, हम गाली गलौज नहीं करते, हम आंदोलन करते हैं, हम आंदोलन करके देश आजाद किए। ये सरकार को बस्ती में आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो कोई सरकार आती है अपने यहाँ? क्यों नहीं आती है पता है? क्योंकि ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ मीटिंग कर लेते, टेबल के नीचे से सूटकेस ले लेते नोट की, तो क्यों आएंगे? पोल खुल जाएगा। ये है, इनको किसी के मरने से, किसी के बच्चों की भविष्य खराब होने से और घर से बेघर कोई मतलब नहीं है, इसलिए इनका नाम है काले अंग्रेज। गोरे अंग्रेज गए, काले अंग्रेज आ गए, है ना? तो जुल्म वैसे ही हो रहा है, लेकिन वो बाहर के देश के थे, हमारे पे जुल्म कर रहे थे, तो हम बर्दाश्त कर रहे थे कि बाहर के देश है। अरे कुछ तो शर्म करो, तुम अपने देश के हो के अपने भाई अपने बहनों का घर उजाड़ रहे हो। अरे तुमको इतनी ताकत मिली है तो तुम गरीबों को बसाओ, ऐसा ना हो कि तुम्हारी भी कुर्सी कोई छीन ले आके। तब क्या करोगे? किसको बुलाओगे? हीरा नंदानी को बुलाओगे लड़ने के लिए? लश्करिया को बुलाओगे के पूंजीपति वाले को बुलाओगे? वो तो एसी से बाहर नहीं निकलते, तो तुम्हारे आंदोलन कैसे कर रहे हैं तुम्हारी कुर्सी के लिए? वो दिन दूर नहीं है, कोने कोने में हिंदुस्तान के हर जगह में जुल्म हो रहा है, ये देश के लिए बहुत खतरे का निशानी है। लाल बत्ती जल गई है, ये होश में आ जाओ सरकार।